हेलो स्टूडेंट्स टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू हिंदी डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ चैप्टर नंबर सेवन द एडवेंचर दैट इज प्रेस्क्राइब्ड इन क्लास अलेवेंथ इंग्लिश बुक हॉन्डिल सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज यू नीदर ट्रैवल टू द पास्ट नॉर द फ्यूचर यू वर इन द प्रजेंट एक्सपीरियंसिंग अ डिफरेंट वर्ल्ड आप न तो पास्ट में गए थे न ही आप फ्यूचर में गए थे आप प्रेजेंट में थे और एक दूसरे वर्ल्ड में एक्सपीरियंस कर रहे थे मतलब आप ना तो पास्ट में गए थे ना तो फ्यूचर में गए थे आप प्रेजेंट में ही थे मगर एक दूसरी दुनिया में थे ये किसने कहा था और इसका क्या मीनिंग है आंसर इज द स्टेटमेंट वाज सेड बाय राजेंद्र टू प्रोफेसर गाइटंडू ये स्टेटमेंट राजेंद्र का है जिसने उन्होंने गाईटेंडू से प्रोफेसर गाइटंडू से ये बात कही थी एज ही मेड अ ट्रांजिशन फ्रॉम वन वर्ल्ड टू अनादर हीड अ रियल लाइफ एक्सपीरियंस फॉर टू डेज इन एन अल्टरनेटिव रियालिटी मिस्टर गायकंडू ने एक ट्रांजिशन किया था एक्चुअली राजेंद्र जो हैं मिस्टर राजेंद्र वो कहना चाहते हैं कि एक साथ दो वर्ल्ड एट द सेम टाइम साइमल्टेनसली एक्जिस्ट करते हैं एक साथ हाँ उस दूसरे वर्ल्ड में जाने का कौन सा पैसेज कौन सा रास्ता है किधर से जाना है ये नहीं पता चलता तो आप इसी दुनिया में थे प्रेजेंट में ही थे पास्ट में नहीं गए थे फ्यूचर में भी नहीं गए थे आप प्रेजेंट में ही थे मगर दूसरी दुनिया में चले गए थे ट्रांजिशन के थ्रू एक अल्टर अब ये रियल वर्ल्ड था हर नीदर ही नीदर ट्रेवल टू द पास्ट नॉर द फ्यूचर ही वाज इन द प्रेजेंट ऑल द टाइम वो ना तो पास्ट में गए थे ना तो फ्यूचर में गए थे वो प्रजेंट में ही थे बस दूसरी दुनिया थी सेकेंड क्वेश्चन इज यू हैव पास थ्रू अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस और मोर करेक्टली अ कैटास्ट्रोफिक एक्सपीरियंस आप यह भी स्टेटमेंट राजेंद्र का ही है वो कहना चाहते हैं कि आप एक फैंटास्टिक एक्सपीरियंस को आपने एक फैंटास्टिक एक्सपीरियंस आपने एक्सपीरियंस किया है और आपने कैटास्ट्रॉफिक एक्सपीरियंस के थ्रू आप गुजरे हैं दिस स्टेटमेंट वॉज सेड बाई राजेंद्र टू प्रोफेसर गाइटेंडू यह स्टेटमेंट भी राजेंद्र का है जो कि प्रोफेसर गाइटेंडू को उन्होंने कहा था वेन ही वॉज हिट बाई द ट्रक ही वॉज थिंकिंग अबाउट कैटेस्ट्रॉफिक थियरी एंड इट्स रोल इन द war. जब मिस्टर गाइटेंडू को ट्रक से टक्कर लगी थी उस समय वो कैटेस्ट्रॉफिक थियरी के बारे में सोच रहे थे और इसके रोल वार में इसके रोल के बारे में सोच रहे थे ही वॉज अनकॉन्सियस इन द हॉस्पिटल फॉर द नेक्स्ट टू डेज बट ही वॉज इन एन अल्टरनेट वर्ल्ड हैविंग अ रियल लाइफ एक्सपीरियंस एक्चुअली वो दो दिन तक हॉस्पिटल में पड़े थे मगर वो एक दूसरी दुनिया में चले गए थे जहाँ पर एक रियल एक्सपीरियंस वो गेन कर रहे थे थर्ड क्वेश्चन इज गंगाधर पंथ कुड नॉट हेल्प कंपेयरिंग द कंट्री ही न्यू व्हाट ही वॉज विटनेसिंग अराउंड हिम एक्चुअली जब गंगाधर पंत जब दूसरी दुनिया में चले जाते हैं तो वो एक ऐसी कंट्री में भारत कंट्री इंडिया ही है मगर ऐसा इंडिया है जिसको वो नहीं जानते थे तो कैसे इस चीज़ों को वो विटनेस के आंसर इज द गंगाधर गाइटोडो हैड विटनेस डिफरेंट फैक्टर्स फैक्ट्स ऑफ हिस्ट्री विच वर द डिक्लाइन ऑफ मराठास एंड ब्रिटिश रूल बट हियर इन अ डिफरेंट वर्ल्ड द रियलिटी वॉज डिफरेंट एक्चुअली मिस्टर टेंडू जिस चीज़ को जानते थे वो दूसरे रियल जो हिस्ट्री को जानते थे जो अभी की हिस्ट्री है उसमें मराठाओं का डिक्लाइन हो गया था मराठाओं का पतन हो गया और ब्रिटिश रूल का भी फिर पतन हो गया और फिर भारत आज़ाद हुआ बट यहाँ पे रियलिटी अलग है मराठास हैड वोन द बैटल ऑफ पानीपत एंड देयर वॉज नो स्लेवरी अंडर द वाइट मैन इस वर्ल्ड में मराठा बैटल जीत गए थे पानीपत का और भारत के लोग ब्रिटिशर्स के गुलाम कभी नहीं हुए थे इंडिया वॉज फ्री एंड हियर पीपल हैड सेल्फ रिस्पेक्ट ये जो भारत था जो नए भारत में वो पहुंच गए थे यहाँ के लोग कभी गुलाम हुए ही नहीं थे ये लोग फ्री थे इसलिए इन लोगों का अपना सेल्फ रेस्पेक्ट था व्हेन ही कंपेयर टू डिफ़रेंट फैक्ट्स ऑफ द सेम कंट्री ही लाइक दिस डिफरेंट वर्जन ऑफ इंडिया मस्ट और जब वो जिस इंडिया को वो जानते हैं और जिस इंडिया में वो चले गए थे इन दोनों को कम्पेरिजन करते हैं तो जो इस इल्यूजनिस्टिक इंडिया में जो चले गए थे वो जो इस जो रियल अभी जो अनरियल इंडिया में जो चले गए थे उसको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं क्योंकि यहाँ के लोग स्लेवरी तो जानते ही नहीं हैं और इनके पास सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा है मतलब इनके पास सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना है क्योंकि ये लोग कभी स्लेव बने ही नहीं थे कभी ये लोग गुलाम बने ही नहीं थे तो जो ये दूसरी इंडिया में चले जाते हैं ट्रांजिशन के थ्रू वो इंडिया इनको ज़्यादा पसंद आता है फोर्थ क्वेश्चन इज़ द लैक ऑफ डिटर्मिनीज्म इन क्वांटम थियरी दो थियोरी इस बुक में इस चैप्टर में डिस्कस की गई है एक है कैटेस्ट्रॉफी थियरी और दूसरी है द लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म इन क्वांटम थियरी तो क्वेश्चन है ये क्या है लैक ऑफ डिटर्मिनिज्म इन क्वांटम थियरी क्या है आंसर द लैक ऑफ डिटर्मिनीज़्म मींस द इनएबिलिटी ऑफ द साइंटिस्ट टू नो वेयर द इलेक्ट्रॉन वुड मूव ये जो थियोरी uh, है लैक ऑफ डिटर्मिनेजम इन क्वांटम थियोरी क्वांटम थियरी में लैक ऑफ डिटर्मिनेजम की जो थियरी है ये वो थियोरी है जहाँ साइंटिस्ट पता नहीं चाह पता नहीं कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर जाएंगे इलेक्ट्रॉन अपनी दिशा किधर बना लेंगे किधर चले जाएंगे क्वांटम थियोरी मीन्स इन फिजिक्स क्वांटम थियोरी फिजिक्स की बहुत ही मेन थियोरी है इट कैन बी मेजर्ड हाउ द एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड एंड इन व्हाट डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन मूव में मूव ये जो थियरी है ये इस चीज़ पे है कि कैसे एनर्जी प्रोड्यूस होती है और इलेक्ट्रॉन किधर मूव करते हैं दिस हैपेंड वेन प्रोफेसर सो टू डिफ़रेंट सेट्स ऑफ हिस्ट्री इन द केस ऑफ़ द बैटल ऑफ पानीपत और ये कब हैपन होता है जब प्रोफेसर दो टाइप की हिस्ट्री बैटल ऑफ पानीपत की दो टाइप की हिस्ट्री को फेस करते हैं एक हिस्ट्री वो है जो रियल हिस्ट्री है जिसमें मराठा हार गए फिर उसके बाद ब्रिटिश रूल हुआ भारत गुलाम हुआ फिर बाद में लगभग दो साल दो सौ साल बाद फिर भारत आज़ाद हुआ एक वो हिस्ट्री है और दूसरी हिस्ट्री जिसमें मराठा जीत गए थे और ब्रिटिशर्स कभी इंडिया पर राजी नहीं किए थे और काफ़ी बहुत अच्छा मतलब जो भारत उसके बाद जो भारत रहता है वो बिना गुलामी वाला भारत वो उसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट उस भारतीय उस भारत के लोगों के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना बहुत ज़्यादा है उनके अंदर कॉन्फिडेंस ज़्यादा है क्योंकि वो लोग कभी गुलाम नहीं हुए थे तो ये टू टाइप्स ऑफ हिस्ट्री वो फेस करते हैं इन वन रियलिटी मराठाज हैड वन दार एंड इन अदर दे हैड लॉस्ट द बैटल एक रियालिटी में मराठा जीत जाते हैं और दूसरे में वे लोग हार जाते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव यू नीड सम इंट्रैक्शन टू कॉज अ ट्रांजिशन ये uh, राजेंद्र बोलते हैं कि तुमको कुछ इंट्रैक्सन होना चाहिए वो बोलते हैं कि मैंने ही कैसे ट्रांजेसन किया मैं ही जब दो वर्ल्ड दो दुनिया एक साथ एग्जिस्ट करती है तो मैं ही क्यों उस दुनिया दूसरी दुनिया में जाने का मुझे ही क्यों मौका मिला मैं कैसे गया उस दुनिया में तो बोलते हैं कि कुछ इंट्रैक्शन होना चाहिए तभी दूसरी दुनिया में जा सकते हो प्रोफेसर गाइटुंडो बिफोर द कोलिजन विद द ट्रक वाज थिंकिंग अबाउट कैटस्ट्राफी थियरी एंड इट्स रोल इन वार जब उनका ट्रक से टक्कर हुआ था उससे पहले वो कैटस्ट्रॉफी थियरी के बारे में सोच रहे थे और इसका वार में इसके रोल के बारे में सोच रहे थे ही वॉज वंडरिंग वॉट माइट हैपन्स टू द रिजल्ट वॉज डिफरेंट इन द बैटल ऑफ पानीपत और वो इसी चीज़ पे सोच रहे थे कि अगर पानीपत जो बैटल लड़ाई हुई थी उसका रिजल्ट अगर दूसरा होता अगर मराठा जीत गए होते तो क्या होता वेन ही हिट्स द ट्रक द न्यूरोन्स इन हिज ब्रेन मेड द ट्रांजेशन जब उनका टक्कर हुआ ट्रक से तो उनके माइंड के जो न्यूरोन से उन्होंने ट्रांजिशन बना दिया दिस वॉज एक्सप्लेन इन राजेंद्र टू द प्रोफेसर गाय टू फेन ही फेल टू अंडरस्टैंड फाइव ओनली ही मेड द ट्रांजिशन और यही बात यही चीज राजेंद्र गायटिडू को क्लियर करते हैं जब वो बोलते हैं कि मैं ही क्यों ट्रांजिशन बनाया ओके नाव इट्स क्लियर